अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ इसके फीचर लिखे हुए हैं कि रैपिड वार्मिंग, हीटर वायर हीटिंग, उसके अलावा टर्बो फैन और मल्टीपल गारंटी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल कॉर्नर। तो आज हम इस वीडियो में एक ये छोटा सा हीटर है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये मैंने द्रास से मंगवाया था, ये इसका इन्वेलप है। तो ये आप वीडियो पूरी देखें, मैं एंड पे इसकी कीमत भी बताऊंगा, मैं ये कितने का हीटर पड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी फीचर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो इसका अगर इधर देखें तो हमारे पास इसका नाम और इसका मॉडल नंबर लिखा, नाम लिखा हुआ है नोवा VNG और आगे नोवा 911 जो इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ इसके फीचर लिखे हुए हैं कि रैपिड वार्मिंग, हीटर वायर हीटिंग, उसके अलावा टर्बो फैन और मल्टीपल गारंटी। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं कर सकता कि इसके अंदर ये सब फीचर्स होंगे, लेकिन जो इन्होंने जो लिखी हुई जो चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर बॉक्स के इस तरफ आएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है फास्ट फॉर्म एयर ब्लोअर, और ये इसका जो इसकी शक्ल बनी हुई है कुछ इस तरह का है, और यहाँ पर इसका जो है ब्लोअर लगा हुआ है जो हीट आउट करेगा। उसके बाद नीचे अगर देखें तो लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, आवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्टर पावर आउटेजेस, वाइड एंगल हॉट एयर सप्लाई, PPS पावर प्रूफ मटेरियल और जीरो एंटी फ्रीज प्रूफ डिज़ाइन। अब यहाँ पर तो ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि ये कोई बहुत लग्जरी हीटर है, तो मुझे नहीं लगता इनमें से इसमें कोई भी ऐसा कोई खास फीचर होगा। और अगर बॉक्स की इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे इसकी थोड़ी पावर और स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। तो प्रोडक्ट नेम वार्म एयर ब्लोअर, और उसके टाइप जो मॉडल नंबर था 9NV911, और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी पावर है जो यहाँ पर लिखी हुई है 400 वाट, और अगर उल्टी देखें तो 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी जो 58, और कलर इसमें ब्लैक और वाइट आता है। तो ये वाइट जो है वो कुछ यूं इस कलर का होता है, और जबकि ब्लैक है वो कुछ इस कलर का होता है। तो चलें अब इसको खोलते हैं और उसके अंदर देखते हैं क्या है। तो अंदर इसका एक बबल रैप है, उसमें हमारा जो है वो हीटर पड़ा हुआ है। अगर इसको निकाल लेते हैं और अब बॉक्स को साइड पर रख देते हैं तो कुछ यूँ हीटर है, इस तरह पैक हुआ हुआ आया है। ये मैंने बता दूँ आपको दोबारा, ये मैंने द्रास ही मंगवाया है, और ये इसके साथ एक हमारे पास आ गया इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल छोटा सा है। इस तरफ इसकी चाइनीज़ लैंग्वेज आई थिंक, और इस तरफ हमारे पास इंग्लिश है। प्रोडक्ट मैनुअल, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ और प्रिकॉशंस लिखी हुई है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो ये जो है हमारा असल जो हीटर है जो हमने ऑर्डर किया था वो ये है। तो आप सबसे पहले इसका साइज़ देख लें, अगर आपको साइज़ का आइडिया नहीं हो रहा तो मैं आपको कुछ इस तरह बता देता हूँ। ये देख लें मेरा हाथ, ये मेरा एक पूरा मैंने हाथ खोला हुआ है, गिट खोली हुई है, इतना है तकरीबन, इतना साइज़ है इसका। तो ये इसका साइज़ है। तो यहाँ पर अगर इसकी फ्रंट साइड देखें तो ये इसकी जो ग्रिल है जहाँ से ये आउट करेगा हीट, और यहाँ से ये पीछे इसके फैन लगा हुआ जो सक करेगा, हवा खींचेगा यहाँ से, और यहाँ से आगे से आउट करेगा। तो अगर इस दूसरी तरफ अगर इसकी जो सबसे मुझे अभी जो बुरी चीज़ लग रही है वो इसकी एक वायर है, क्योंकि वायर बहुत छोटी है इसकी, ये तकरीबन आपको दिखा दूँ तो मैं इसके ऊपर अगर घुमाऊँ तो सिर्फ ये इतनी सी एक इसके ऊपर चक्कर मुझे मुश्किल से लगा है, टोटल जो है इसकी वायर इतनी है। तो ये बहुत छोटी वायर है। तो और ये चीज़ इसके साथ इसके पीछे बैक पे बटन लगा हुआ है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इधर भी एक स्टिकर लगा हुआ है, इस पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, आगे प्रोडक्ट नेम के नीचे लिखा हुआ है यूनिट हीटर, और यहाँ पे आप देखें पावर 360 वाट लिखी हुई है, जो पीछे था उधर बॉक्स पे 400 वाट लिखा था। जो ये हीटर मेरे लेने की वजह सिर्फ यही थी कि इसकी जो पावर है वो कम है, क्योंकि हीटर तो आपको और भी मिल जाएंगे, मतलब 2-2.5 हज़ार में आपको बड़े हीटर मिल जाएंगे, वो तकरीबन 1500, 2000, 2500 वाट के होते हैं, तो वो बिजली बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ये मैंने सिर्फ इस वजह से मंगवाया था कि मुझे ऐसा हीटर चाहिए था जो बिजली कम लेता हो। तो यहाँ पर इसकी पावर 360 वाट लिखी हुई है, प्रोडक्ट मॉडल और प्रोई वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है। तो दूसरी तरफ अगर आपको मैं और आपको इसके बैक नीचे दिखा दूँ तो नीचे से बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्लास्टिक का मटेरियल में, और वेट भी इसका कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, नॉर्मल सा, शायद इसका 500 ग्राम भी वेट ना हो टोटल अगर के रहे तो। और ऊपर से भी इसकी मतलब प्लास्टिक, सिंपल प्लास्टिक की बॉडी है, और मतलब प्लास्टिक भी कोई बहुत लो क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है, बस गुजार दरमियानी सी क्वालिटी है, बहुत हाई फाई भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है, मतलब। और जिस बजट में मैंने लिया तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको दूसरा, आपको अभी इसकी बल्कि टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि आपको इसकी हीट वो कैसी, मतलब इसको आवाज़ आवाज़ कैसी आएगी, फ़ैन ब्लोअर की ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कैसी आवाज़ है, तो वो भी मैं आपको पावर प्लग में लगाऊंगा तो दिखाऊंगा कि इसकी आवाज़ कितनी है। तो चलिए मैंने इसको पावर प्लग में लगा दिया है,
और अब इसकी इस कहते हैं आपको मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो वो मैंने पीछे से बटन ऑन कर दिए, अब मैं यहाँ से ये करूँगा इसका पीछे जो पावर बटन है जो इसके ये नीचे बना हुआ है आपको दिखा दूँ, ये ऑन करूँगा तो यहाँ से हीटर ऑन रहेगा। अब मैंने ऑन कर दिया, अब शायद आपको हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही हो, अब मैं करीब करता हूँ माइक के, शायद आपको क्लियर आवाज़ आ रही हो। तो इसकी आवाज़ मतलब कि बहुत ऊंची भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मतलब महसूस होती है बंदा बैठा हो तो आपको अच्छी खासी आवाज़ महसूस भी हो रही है कि आपके पास आ रही है आवाज़, मतलब कि कोई चीज़ लगी हुई है। ये नहीं है कि आपने रखा हुआ है तो आपको महसूस भी ना हो कि आपके पास कोई चीज़ लगी हुई है, लेकिन यह इतनी आवाज़ है कि आप इसके पास बैठे होंगे तो आपको अच्छी खासी आवाज़ महसूस होगी कि कोई चीज़ लगी हुई है। तो अगर दूसरी अगर हीट अगर मैं इसको भी बंद करता हूँ तो हीटिंग की बात की जाए तो इसकी जो हीटिंग है वो कोई ये ऐसा नहीं है कि आप इसके आगे हाथ रखेंगे तो आपको गर्मी लगने लग पड़ेगी या आपका हाथ मतलब इतनी ज़्यादा हीट नहीं है कि गर्म हो जाएगा कि बहुत जल्द। तो ये है कि नॉर्मल सी थ्रो गर्म होता है कि बहुत हाई मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसकी थ्रो भी एक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हवा जो इसका प्रेशर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा है कि आप मैक्सिमम मेरे ख्याल से आप 1-1.5 फुट से ज़्यादा के अगर 1.5 फुट करीब करेंगे तो आपको कोई कुछ हल्का सा हवा महसूस होगी, अगर इससे 1.5 फुट से आगे हाथ पीछे करेंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कोई चीज़ लगी हुई है। तो मतलब जिसका ब्लोअर का फ़ैन है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है कि वो दूर तक थ्रो करे। और दूसरी हीट की बात की जाए तो हीट जितनी मतलब 400 वाट के लिहाज से हीट ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा हीट नहीं है कि आप कहें कि आप लगाएंगे तो आपका मतलब हाथ लगेंगे तो हाथ जल जाएगा या कमरा बहुत गर्म हो जाएगा। ये आप ऐसे समझें कि आप डायरेक्टली अपने पास रखते हैं, अपने चेहरे के पास रखते हैं या अपने पाँव के पास रखते हैं तो आपको ये फिर मतलब आपको डायरेक्ट हीट कर उनको डायरेक्ट हाथ या पाँव को गर्म कर देगा। इस तरह नहीं है कि आप यहाँ पर रख के और कहें कि आप पूरे कमरे को गर्म कर देगा, क्योंकि इसकी पावर बहुत कम है तो ये इतने जल्दी कमरे को गर्म ना कर दे। शायद आप इसको 8-10 घंटे या 12 घंटे लगाएं तो फिर शायद कमरे में थोड़ा वो टेम्परेचर राइज हो जाए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये मैंने दराज से मंगवाया है, मुझे पड़ा है तकरीबन 1570 रुपये का, तो 1500 रुपये इसकी कीमत थी और 68 रुपये मुझे इसके डिलीवरी के चार्जेस पड़े, तो तकरीबन 1570 रुपये इसका जो टोटल जो मुझे बने हैं। उस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से मुझे प्रोडक्ट ठीक मिली है, मतलब इस लिहाज से इस बजट में, और ना ही कोई हीटर आता है और इतना मतलब बाकी आते हैं मतलब इस रेट में ब्लोअर हमें मिलते हैं, लेकिन यह कि ब्लोअर और हीटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये उस लिहाज से मुझे मेरे ख्याल से मुझे ठीक चीज़ मिल गई है, मैंने 1500 रुपये अगर खर्च किए हैं तो ठीक है। और मैंने अब बाकी एक और चीज़ बता दूँ, जो मैंने बाकी फ़ीचर्स वगैरह इसमें जो शुरू में पड़े हैं तो उनमें से मुझे नहीं लगता इसमें कोई फ़ीचर होगा इसके अलावा, सिर्फ इसमें बहुत हो गया तो एक होगा कोई ऑटोमेटिक जो ट्रिप हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो शायद उसमें वो फ़ीचर हो, इसके अलावा मेरे ख्याल से इसके अलावा और इसके अंदर कोई फ़ीचर नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल सिंपल सी है और जिस बजट में आता है इस बजट में कोई भी चीज़ मतलब कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट में इतने ज़्यादा फ़ीचर्स नहीं होते। तो वो लिख तो देते हैं बार इतना कुछ कि इसमें ये भी है वो भी है, लेकिन दर हकीकत उसमें होते नहीं है, और इसकी जो फिज़िक से भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होगी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, उम्मीद है अब तक तो आपने वीडियो लाइक कर ही दी होगी, अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।